दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 25 मार्च 2023 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की तारीख में आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, सभी खबरों के बारे में हम वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं सभी टॉप खबरों की। तो पहली खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 के नए नवेले रूल को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि प्लेइंग 11 के रिगार्डिंग आईपीएल में एक नए रूल को बीसीसीआई ने इंट्रोड्यूस कराया, जहां पर भाई नियम के मुताबिक ऐसा बताया गया कि अब यहां पर सभी कैप्टन्स के पास चॉइस होने वाली है कि वो टॉस के बाद यहां पर प्लेइंग उनका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भाई सभी आईपीएल फैंस के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल था कि भाई कितना टाइम यहां पर कैप्टन्स को मिलेगा, किस तरह से अब यहां पर प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर अपना फाइनल कंफर्मेशन हमें बीसीसीआई की तरफ से देखने को मिल गया है, जहां पर आपको बताना चाहूं कि अभी तक नियमों के मुताबिक बीसीसीआई ने ऐसा बोल रखा था कि भाई टॉस से जस्ट पहले सभी कैप्टन्स को प्लेइंग 11 आपके अंपायर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों अब यहां पर दोनों टीमों के कैप्टन अपने डगआउट से ही दो लिस्ट बनाकर लाएंगे, जहां पर भाई एक लिस्ट उनकी भाई ऐसी होगी यदि वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो प्लेइंग 11 कैसी होगी, और सेकंड लिस्ट भाई कुछ ऐसी होने वाली कि भाई अगर वो गेंदबाजी करते हैं तो मतलब कैसी प्लेइंग 11 के साथ वह टीम उतरने वाली है। यानी भाई दो टीमों की लिस्ट लेकर कैप्टन यहां पर टॉस के लिए आएंगे और जैसे ही टॉस हो जाएगा उसके जस्ट बाद उनको अपनी प्लेइंग 11 अंपायर के पास सबमिट करानी पड़ेगी, उसके बाद हमें ऑफिशियल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। और यह नया रूल हमें आईपीएल में पहली बार इंप्लीमेंट में आता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जी हां, आईपीएल के आगाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, जहां पर भाई आप सभी को बताया कि इस टीम को पहले भी एक तगड़ा झटका लग चुका है। विल जैक्सन के आउट हो चुके, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इन्होंने ब्रेशवेल को अपने स्क्वाड में शामिल किया था। लेकिन दोस्तों एक और बुरी खबर इस टीम के लिए निकल कर आ रही है, जहां पर इस टीम के प्रमुख गेंदबाज जो सैजलवुड का शुरुआती महामुकाबलों में पार्टिसिपेट कर पाना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले काफी लंबे टाइम से वो लगातार इंजर्ड चल रहे हैं, सभी को उम्मीदें थी कि वो आईपीएल तक अपने आप को रिकवर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक वो अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए, अभी तक टोटली फिट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते शुरुआती काफी सारे महामुकाबले वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए मिस करने वाले हैं। और ऐसे में आरसीबी की टीम को आईपीएल के आगाज से पहले ही बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर, जहां पर आईपीएल 2023 के लिए फिलहाल चेन्नई सुपर किंग के टीम के मतलब ट्रेनिंग कैंप फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सीएसके की टीम को यहां पर कल एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा, जहां पर इस टीम के हम ऐसा बोल सकते कि प्रमुख गेंदबाज जो पिछले सीजन में पूरे के पूरे सीजन में प्लेइंग 11 में रहे थे, हर महामुकाबले में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जी हां, मुकेश चौधरी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। मुकेश चौधरी आईपीएल के आगाज से पहले इंजर्ड हो चुके हैं और अब उनका शुरुआती महामुकाबलों में पार्टिसिपेट कर पाना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। काइल जेमिनसन इनकी ऑलरेडी इंजर्ड, अभी तक रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। एक और तगड़ा झटका यहां पर मुकेश चौधरी के रूप में लग रहा है और भाई ऐसे रिपोर्ट दावा कर रही है भाई वो पूरे के पूरे आईपीएल सीजन से भी पूरी तरह से रूल्ड आउट हो सकते। लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर आपकी चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी मुकेश चौधरी के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर, जहां पर भाई एक तो इस टीम को तगड़ा झटका जोश हेजलवुड के रूप में लगा है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी इस टीम के लिए निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर चुके हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्ट थी कि शुरुआती कुछ महामुकाबले वो इस टीम के लिए मिस कर सकते, लेकिन फाइनली इस टीम के कैंप के साथ वो जुड़ चुके हैं। कल उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट किया, जहां पर उन्होंने छक्कों चौकों की बारिश भी की। ऐसे में यहां पर डेफिनेटली हमें फर्स्ट महामुकाबले से ही इस टीम की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए ग्लेन मैक्सवेल नजर आने वाली है। जैसे भाई कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस के लिए यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, आप सभी को पता है कि आईपीएल के आगाज से पहले इस टीम को तगड़ा झटका लगा था, जहां पर इस टीम का युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा इंजरी की वजह से आईपीएल 2023 से पूरी
पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी हैं काफी लंबे इंतजार के बाद। उन्होंने भाई अभी तक ऑफिशियल तो उनके रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन दोस्तों संदीप शर्मा को लगातार अब राजस्थान रॉयल्स टीम के प्रैक्टिस कैंप्स में सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते भाई ऐसा यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आईपीएल 2023 के लिए हमें प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट के तौर पर संदीप शर्मा इस टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आने वाली है। आने वाले कुछ टाइम में आपकी राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी उनकी मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी, और जैसे यहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है तो मैं एक बार फिर से आप सभी आईपीएल फैंस को रिमाइंड करा दूंगा। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 की लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स को लेकर, जहां पर आपको पता है कि भारत में टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स कवर करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स है, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, उनके जितने भी अल्टरनेट एचडी चैनल्स है, सभी चैनल्स पर हमें अलग अलग भाषाओं में लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। वह यदि आप अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में अलग अलग कैमरा एंगल्स के साथ 4K क्वालिटी तक हमें यहाँ पर आईपीएल की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। हालांकि स्टार स्पोर्ट्स ने ऐसा भी बोला है कि डीडी स्पोर्ट्स पर हमें 12 महामुकाबलों की लाइव टेलीकास्टिंग भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर। जी हाँ, फाइनली आईपीएल 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया, जिनकी जर्सी को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जर्सी को थोड़ा सा ट्रोल यहां पर किया जा रहा है, जर्सी का बैक पूरी तरह से रेड किया गया, जिसके चलते भाई आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के फैंस यहां पर थोड़े से डिसअपॉइंटेड नजर आए हैं। आपके दिल्ली कैपिटल्स के फैंस भी यहां पर थोड़े से डिसअपॉइंटेड, इस टीम की जर्सी को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। आपको कैसी लगी है जर्सी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है दी 100 लीग को लेकर। जी हां, फाइनली 100 लीग का ड्राफ्ट प्रोसेस खत्म हो चुका है और भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यहां पर मतलब दबाकर बेइज्जती की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में 100 लीग में काफी सारी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने भी इन्वेस्ट किया था और भाई वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी बोली लगने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान टीम के बड़े बड़े स्टार, जी हां, चाहे वो आपके बाबर आजम है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, सभी बड़े बड़े स्टार यहां पर अनसोल्ड नजर आए। उनकी यहां पर टोटली बेइज्जती की गई है। जी हां, उनको मतलब इतने बड़े स्टार खिलाड़ी को वहां पर परचेस नहीं किया गया, बिल्कुल भी उनको भाव वहां पर नहीं मिले। और भाई एक प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर आईपीएल फ्रेंचाइजी चली जाती है वहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का थोड़ा सा बहिष्कार होता हुआ हमें नजर आता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर, जहां पर आईपीएल 2023 के लिए सीएसके की मैनेजमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशंस की शुरुआत कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े बड़े दिग्गज फाइनली टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़ चुके हैं। आईपीएल के आगाज में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बचा है और डेली क्रिकेट एपिसोड में आपको लगातार आईपीएल 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो भाई आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, इसी तरह से आप हमारे साथ आईपीएल 2023 को एंजॉय करते रहिए। लेकिन दोस्तों आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।